योगा एक ऐसी प्रैक्टिस जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बिल्कुल एकदम फिट रह सकते हैं। कहा भी गया है, करो योग रहो निरोग। अगर आप योगा करेंगे, इसको अपने डेली लाइफ का एक रूटीन बना लेंगे, तो आपकी लाइफ में जो इसके इफ़ेक्ट आएंगे वो अनबिलीवेबल होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा ये आपकी लाइफ के ऊपर। योग करने से हमारी बॉडी तो एकदम फिट रहती है। जो आजकल बहुत सारे लोग आप किसी भी फैमिली में देखते हैं, एक से ज़्यादा लोग किसी ना किसी बीमारी है उनको। 90% से ज़्यादा लोग जो मेंटली स्ट्रेस होता है उसको सफ़र करते हैं, बट योगा की हेल्प से हम इन सब चीज़ों से रिलीफ पा सकते हैं। अगर आप योगा करते हैं तो आपका मेंटल एकदम पूरा, आप मेंटली हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड पीस में रहेगा, काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, कोई भी आपको एंजाइटी नहीं होगी, जिससे आप कोई भी काम अगर करेंगे वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। योगा की हेल्प से बहुत से बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं उसको भी क्योर किया जा सकता है। अगर आप योगा को अपनी डेली लाइफ का रूटीन बना लेते हैं, यू विल लाइकन मिरेकल लाइफ। आप एक मिरेकल लाइफ की तरह रहेंगे, आप ऐसी लाइफ जिएंगे जिसको लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसकी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, हमें कोई भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज की हमारी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसके ऊपर आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन से। Yoga is a light which once lit will never dim. The better your practice, the brighter your flame. ये जो लाइन्स हैं ये हमारे भगवद गीता से ली गई हैं। 5000 साल पहले जो योगा है उसका हमारे वेदों में वर्णन किया गया है। हमारे जो चार वेद हैं उसमें चारों वेदों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया। तो योगा का वर्णन जो बहुत पहले से, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत पहले से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे, उन्होंने सबको वर्णित किया हुआ है। योगा क्या है? योगा इज़ द जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग द सेल्फ। इट इज़ एन एंशियंट एंड ब्यूटिफुल प्रैक्टिस ऑफ इंडिया। इट काम एंड रिलैक्स योर बॉडी एंड सोल। इट हेल्प्स यू टू स्टे फिट एंड हेल्दी। द वर्ड योगा डे, पहले आता है योगा। योग का मतलब क्या होता है? योग डेराइव ही संस्कृत से किया गया, जिसका मतलब होता है ज्वाइन होना, यूनाइट करना अपनी बॉडी को। तो द वर्ड योगा डेराइव फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। टुडे इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस फॉर्म्स अराउंड द वर्ल्ड, बट ऑन 18 December 2014 द UN प्रोक्लेम्ड 21 June एंड द इंटरनेशनल योगा डे। इस दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये उनके सामने एक प्रपोजल रखा था कि 21 June योग को योगा डे बनाया जाए, और इसको 177 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था। ये सबसे बड़ा सपोर्ट था जिसमें इतनी सारी कंट्री ने को स्पॉन्सर किया था। द प्रपोजल वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाई आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस ड्यूरिंग द 69th सेशन ऑफ जनरल असेंबली। द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 21 June 2015 को पहला योगा डे सेलिब्रेट किया था। In 2022, we will celebrate 8th edition. अब हम इसका 8th edition celebrate कर रहे हैं and the theme is Yoga for Humanity. इसकी theme इस बार की Yoga for Humanity रहेगी। अब जो हमारा पूरा essay है वो theme के ऊपर, तो हम theme के बारे में discuss करेंगे। अब हमने एक general introduction दे दिया है, now we will discuss about the theme. अब हमारा पूरा focus theme पे ही रहेगा। The theme portray how during the peak of COVID-19 pandemic yoga served humanity in alleviating the suffering and mental disturbance. Alleviating का मतलब होता है कम करना। थीम हमें ये दिखाती है कि COVID-19 का जो पैंडेमिक है इसमें योगा ने किस तरह लोगों को जो स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल डिस्टर्बेंस था, उससे जो सफ़र कर रहे थे उसको कम करने में हेल्प की है। दिस थीम विल ब्रिंग पीपल टूगेदर थ्रू कंपैशन एंड काइंडनेस, foster a sense of unity and build resilience among people the world over. Yoga is helping people to stay strong and have a good immune system during in this difficult time. Yoga is God's gift to human beings. The essence of yoga not just balance within the body or that between mind and body,
but also balance in the human relationship with the world. It emphasize का मतलब होता है जोर डालना. It emphasize the values of mindfulness, moderation, discipline and perseverance. ये emphasize करता है कि हमें mindfulness कैसा होना चाहिए, moderation क्या है, discipline और perseverance का मतलब होता है continuity. It offers a path towards a sustainable life. जो योगा होता है वो हमें एक sustainable life की तरफ path provide कराता है, क्योंकि हमें हर तरह की जो mental illness है और जो physically problems होती हैं उनसे relief दिलाता है. Yoga plays a very important role to cope with stress. Stress में double S है यहाँ पे. In today's world, stress is very common and very dangerous problem around the world. आज आप देख लीजिए तो 90% से ज़्यादा लोग mental जो stress है इससे suffer कर रहे हैं. It is not only stay you physically healthy but also makes you a better human being. Yoga, it is not only stay you physically healthy, that means सिर्फ आपको physically healthy ही नहीं रखता but also makes you a better human being, बस आपको एक better human being भी बनाता है. कैसे better human being ऐसे बनाता है ताकि जब आप योगा करते हैं तो खूब सारे लोगों के साथ करते हैं तो आपका behavior अच्छा होता है, आपके अंदर एक discipline develop होता है, आपके अंदर एक जो सोशल एटिकेट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, जिससे आप एक आपके अंदर एक काइंडनेस डेवलप होती है, तो उससे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं. योगा हैज़ अनकाउंटेबल बेनिफिट्स फॉर अस. दस टू सम अप, कीपिंग ऑल द बेनिफिट्स इन माइंड, द इंटरनेशनल योगा डे हैज़ बिकम इनटू एग्जिस्टेंस एंड सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ योगा. योगा के इतने सारे बेनिफिट्स को देखते हुए ही, उनको माइंड में रखते हुए ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से इसको मनाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म में योगा डे को मनाया जाता है और लोगों को ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि योगा के कितने बेनिफिट्स हैं. इससे आप फिज़िकली मेंटली हेल्दी रहते हैं, आप एक अच्छे ह्यूमन बींग बनते हैं, आपके अंदर एक ह्यूमनिटी डेवलप होती है. तो योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो आज का जो हमारा एसे था ये हमारी थीम के ऊपर था, जो इस बार की थीम है जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे 21 जून को, उसकी जो हमारी थीम रहेगी वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी है. इसके ऊपर ही हमारा एसे है. बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, इसमें आपके बहुत सारे स्कूल कॉलेज स्टेट लेवल पे एसे कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उनके लिए आपके ये एसे बहुत बेनिफिशियल होगा. आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको उसका PDF भी मिल जाएगा. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम, तो एक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ, उसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, CA से रिलेटेड सारा वहाँ पर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए एसे के साथ. और अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए एसे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू.